अशोकनगर के जिला अस्पताल के बच्चों के एसएनसीयू की हालत बहुत दयनीय है। जी हां, अस्पताल में कई बच्चों को गहन चिकित्सा की आवश्यकता होती है और ये बच्चे पूरी तरह से अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के भरोसे होते हैं। पर इस मामले में अशोकनगर चिकित्सालय का एसएनसीयू भारी कमियों से जूझ रहा है। एक और जहां उसमें लगे एयर कंडीशनर बंद पड़े हैं, उन्हीं में से कुछ एयर कंडीशनर की लाइन भी चोरी हो गई है, जिससे एसएनसीयू का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही है। वहीं इस मामले को लेकर एसएनसीयू की ड्यूटी पर लगे डॉक्टर और नर्सों ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत अस्पताल प्रबंधक से भी की है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। वहीं जब इस मामले में सीएमएचओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने आज ही राउंड लिया है एवं जो भी उसमें अव्यवस्थाएं हैं उनको दो दिन में दुरुस्त करा दी जाएंगी। बाइट बाइट मालूम पड़ा कि एसएनसीयू में बहुत कमियां हैं, जैसे कि एसी बंद डले हुए हैं, उसके चूहे अंदर आ रहे हैं, बिजली के तार हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है क्योंकि इसमें छोटे छोटे नवजात बच्चों को रखा जाता है और उनकी देखरेख का पूरा जुम्मा अस्पताल प्रबंधन का होता है। अगर चूहे वगैरह कुछ गड़बड़ कर दें तो बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं भी सीएमएचओ से बात करके शीघ्र ही दो दिन के अंदर निदान कराने की पूरा प्रयास करूंगा। एक बार मुझे शिकायत मिली थी जब मैंने वहाँ एसी ठीक कराए थे, चूँकि एसी वहाँ है और बार बार उसमें है तो उसमें लोड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैंने उसकी लाइट का टेंडर करा के और उसमें काम करा रहा हूँ। इस कारण से मैंने कहा कि लाइट जब ठीक हो जाए तो मैं उनको एसी को ठीक कराऊँगा। 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बच्चों का होना चाहिए और रेडिएट बार्मर से टेम्परेचर कम और ज़्यादा दोनों उसे किया जा सकते हैं, उसे रेगुलेट किया जा सकता है। नहीं, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि रेडिएटर बार्मर हैं, उनसे टेम्परेचर ज़्यादा भी किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है।